Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study contract of agency. तो दोस्तों इसे हम सेक्शन वाइज पढ़ने वाले हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शो की गई है. तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए. तो पहला है हमारा सेक्शन 182, वो डील करता है प्रिंसिपल और एजेंट का. तो दोस्तों मतलब यहाँ पर अगर एक आदमी किसी और आदमी को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे कुछ काम करने के लिए, तो जिस आदमी को अपॉइंट किया जा रहा है वो एजेंट कहलाता है और जिसके लिए वो काम कर रहा है वो प्रिंसिपल होगा. 183 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई भी इंसान अगर केपेबल है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट को. तो मतलब दोस्तों यहाँ पर अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए. तो हर इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का केपेबल रख सकता है और बनाने का, तो वही इंसान एजेंट एम्प्लॉय करने के लिए भी केपेबल होगा. सेक्शन 184 डील करता है हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट. तो यहाँ पर कोई भी इंसान अगर वो लायक है एजेंट बनने का, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को. लेकिन कभी कभी माइनर को हम अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर मुझे कुछ लॉस होता है, प्रिंसिपल को अगर कुछ लॉस होता है, तो उसको लायबल नहीं ठहरा सकते या हम उसे कंपनसेशन नहीं ले सकते. सेक्शन 185 कहता है कि वेदर कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू अपॉइंट एन एजेंट. नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कंसिडरेशन की अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो एज एन एजेंट. अगर अगला आदमी अग्री कर गया है आपकी बातों से तो कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी. सेक्शन 186 में दिया गया है कि एजेंसी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एजेंसी कोई भी तरीके की हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं. अब सेक्शन 187 में एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एजेंसी डिफाइन किया गया है. एक्सप्रेस मतलब कि आपने ओरली कहा है या कुछ रिटन कहा है कि वो इंसान मेरा एजेंट है या मेरे बाद इस इंसान की ये अथॉरिटी, तो एक्सप्रेस एजेंसी हो जाता है, जैसे पावर ऑफ अटर्नी. अब हम पढ़ेंगे इम्प्लाइड एजेंसी क्या है. मतलब कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन रही है कि कोई व्यक्ति ये दर्शा रहा है कि तीसरा पार्टी मेरा एजेंट है या मेरा प्रिंसिपल है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एजेंसी बनकर आएगी, जो भले ही एग्जिस्ट कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन उसके वर्ड से ऐसा लग रहा है या उनके किसी भी एक्ट से लग रहा है, तो वो इम्प्लाइड एजेंसी हो जाएगी. इम्प्लाइड कैसे होगी, अब उसके भी टाइप्स हैं. तो एजेंसी बाय एस्टोपल, मतलब कि अगर इंसान किसी पार्टी के सामने ये कह रहा है कि जो भी, मतलब कि ए और बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ए ने ये बताया है कि वो सी जो थर्ड पार्टी का एजेंट है और बी उस पर भरोसा भी कर लेता है, और उस वक्त सी वहाँ पे सुन रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो डिनाई नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो है एजेंसी बन रही है वो है एजेंसी ऑफ स्टॉप. अब सेक्शन 188 में कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, मतलब कहाँ कहाँ एजेंट की अथॉरिटी एक्सटेंट हो सकती है. अगर एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है तो एजेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो लॉ के अंडर जो जो सिचुएशन आ रही है या लॉ के अंदर जो जो चीज़ सही है उसको एक्ट कर सके, उसको अप्लाई कर सके. अब सेक्शन 189 कहता है कि एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, मतलब एजेंट वही चीज़ करता है जो लॉफुली बाउंड है या जो भी लॉफुल के तरीके से उसको सही लगेगी, लेकिन इमरजेंसी में वो कोशिश करेगा कि जो भी लॉस कम हो सके प्रिंसिपल को, जितना प्रॉफिट मेंटेन हो सके उसको करने की ये कोशिश करेगा. मतलब अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. सेक्शन 190 कहता है कि व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, मतलब कि जो एजेंट को काम है करना वो करेगा, वो अपने सब एजेंट्स को काम नहीं देगा, ठीक है, वो डेलीगेट नहीं कर सकता है अपना काम अपने से नीचे लोगों को, मतलब सब एजेंट्स को. सेक्शन 191 डिफाइन करता है सब एजेंट्स को. तो दोस्तों सब एजेंट कौन है, जब एक एजेंट अपने लिए एक एजेंट को एम्प्लॉय करता है तो वो कहलाता है सब एजेंट. अब आते हैं सेक्शन 192 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाई सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड.
एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है तो उसके क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस होती हैं प्रिंसिपल के लिए। अगर एक सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, जैसे प्रिंसिपल अपने एजेंट के हर काम के लिए बाउंड होता है, यानी अगर उसके वजह से कोई भी काम किया गया है, कोई भी डिसीज़न लिया गया है, तो जैसे प्रिंसिपल बाउंड होता है उसी तरह सब एजेंट के लिए गए डिसीजंस को भी, मतलब उसके जो भी एक्ट्स किए हैं उसके लिए भी वो बाउंड हो जाता है। अब सेक्शन 193 में बताया गया है कि व्हाट आर द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर सब एजेंट्स अपॉइंटमेंट विदाउट अथॉरिटी। यहाँ पर एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, चाहे वो प्रिंसिपल को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो या थर्ड पार्टी को लेकर हो। अगर बिना अथॉरिटी के सब एजेंट्स को हायर किया गया है तो यहाँ पर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 194 में, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाई एजेंट टू एक्ट इन अ बिजनेस ऑफ एजेंसी। अगर कोई प्रिंसिपल कोई पर्सन अपॉइंट कर रहा है बाई एन एजेंट, लेकिन वो सब एजेंट के तौर पे अपॉइंट नहीं कर रहा है, बस अपॉइंट कर रहा है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए किया जा रहा है, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए उसे हायर किया जा रहा है, तो उसे हम सब एजेंट नहीं कहेंगे। अब सेक्शन 195, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। अब देखते हैं सेक्शन 196, राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। अगर किसी इंसान के नॉलेज के बिना कोई काम किया गया हो, उसके अथॉरिटी के बिना उसके बिहाफ में कुछ काम किया गया हो, तो उसके पास एक राइट होता है कि वो उसको रेक्टिफाई कर सकें, और सेम इफेक्ट जो है फॉलो किए जाएंगे अगर वो खुद परफॉर्म करता बाय हिज अथॉरिटी, तो वही सेम इफेक्ट उसमें भी होंगे। अब आते हैं सेक्शन 197 में, रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या तो ये एक्सप्रेस में हो सकता है या इम्प्लाइड में भी हो सकता है। अब सेक्शन 198 में, नॉलेज रिक्वेस्ट फॉर अ वैलिड रेक्टिफिकेशन। अगर रेक्टिफिकेशन करनी है आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। सेक्शन 199, अफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मींस अगर वो अनऑथराइज्ड पार्ट को रेक्टिफाई कर रहा हो तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आज भर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करेंगे।